रंजीत जी से जब बात हुई मेरी कि इस फिल्म को बनाना है तो किस हीरोइन को लिया जाए, सब्जेक्ट बड़ा डिफिकल्ट था और डांसर लड़की चाहिए थी और हीरोइन ढूंढना को मालूम है इंडस्ट्री में हर लड़कियां हीरोइन है और अपने करेक्टर के लिए ढूंढना। तो माय फ्रेंड गणेशा के फंक्शन के लिए मैं जयपुर गया था, वहाँ से जोधपुर गया और वहाँ आशिमा शर्मा मुझे स्टेज पर डांस करते हुए मिली और आशिमा जी को जब मैंने बोला कि आशिमा जी एक फिल्म में रोल करना है तो वो पार्टी से ताल्लुक रखती थी, एबीपीबी की प्रेसिडेंट थी वो जोधपुर, बोली नहीं मुझे तो एमएलए बनना है, बोला नहीं मुझे लगता आपको हीरो बनना चाहिए। तो एक हफ्ते का मेरा जदोजहद था, एक महीने का आशिमा के लिए मैंने टाइम लिया, फिर आशिमा तैयार हो गए फिल्म करने के लिए, उनको बॉम्बे बुलाया, उनकी बाकायदा एक महीने की ट्रेनिंग हुई डांस के लिए। इसको ट्रेनिंग की इसलिए जरूरत थी कि कथक में एमए है तो सरोज जी के पास जब मैं ले गया और सरोज जी ने जब उनका डांस देखा तो मैंने सचिन सर तेरी आदेश की तो पूरी हो गई बाजी मार ली, तो प्लीज कम ऑन स्टेज आशिमा शर्मा। It's like we are inspired from a story of some girl. I can't take the name, but I just want ke sabhi ko main bolna chahungi ki ek baar dancer ke upar jo humne movie banayi hai usse sirf hum ye sabko batana chahte hain ki unki jo life hai wo bahut saral ya easy nahi hoti hai, bahut complicated hai. Agar aap is movie ko dekhenge to shayad unki sachchai tak pahunch payenge. थोड़ा सा हमने एक शेयर इसमें डाला है, भगवान ने शेयर इसलिए हमें चुना है कि हम आप तक ला पाए उस सच्चाई को। प्लीज से देखिए और अपने अंदर से जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करिए, प्लीज थैंक यू। मेरे दोस्त सचिंदर ने मुझे मौका दिया एक्टिंग करने का इस फिल्म में, उन्होंने बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत बढ़िया स्टोरी मुंबई की लड़की पर, जिस बार गर्ल पर जो टॉर्चर होता है उनके साथ में, कैसे टॉर्चर होता है, वो एक लड़की अपनी जिंदगी कैसे जीती है, और जूली जो कैरेक्टर है मेरा कि मैं एक बार डांसर हूँ, आलिया तो है ही है माशाल्लाह, शी इज सो ब्यूटीफुल, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हर कम ऑन। चूंकि इसमें काफी सारे नए लोग इन्वॉल्व हैं तो इसमें शो करने के एनर्जीज भी बहुत अलग थे, बहुत ही डिफरेंट थे और पहली बार सचिन के साथ, आशिमा के साथ, राखी के साथ, कई सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे जिसके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और सभी मजे हुए लगे और काफ़ी अच्छा लगे लोगों के साथ काम करके, सब एक जैसे ही आते इतना महसूस होना अच्छा लगे। आलिया इन द मूवी एंड ये गरीब घर की लड़की के ऊपर मूवी है जो कि कैसे बार डांसर बनती है, ट्रेजेडी से कैसे होकर ये जेल पहुंचती है, बीच में इसे समीर नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, एक पर्टिकुलर बार डांसर क्यों बनती है ये, उसकी क्या मजबूरियां होती है, यही सब हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा था, शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग फॉर मी, हर चीज़ में लाइक डायलॉग हो या कुछ भी हो, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, एक दूसरे के ड्रेसेस देखते थे कि कहीं मैच नहीं हो, ताकि हम लोग स्क्रीन पे अच्छे दोनों अलग अलग जगह दिखें, तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुआ, शी इज़ वेरी गुड।